महाराष्ट्र के मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से मात्र 48 वोटों से जीत हासिल करने वाले शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वाइकर को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार का मोबाइल ईवीएम से जुड़े होने के आरोपों पर अब सियासी तकरार तेज हो गई। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने पूरे मामले को लेकर एनडीए और महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। संजय राउत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, वनराई थाने के इंस्पेक्टर पीआई राजभर अचानक छुट्टी पर क्यों चले गए? वाइकर का खास आदमी जो उनका रिश्तेदार बताया जाता है, उस पर आरोप है कि उसने पुलिस स्टेशन से रविंद्र वाइकर का मोबाइल फोन बदलने की कोशिश की। सेवानिवृत्त पीआई सातारकर 4 दिन से वनराय पुलिस स्टेशन में कार्यरत थे। वनराय पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जब्त कर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि रविंद्र वाइकर की जीत असली नहीं है। सुना है कि जिस फोन की बात हो रही है उसे फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। पुणे में पोर्शे कार दुर्घटना के मामले में निर्दोष आरोपियों के खून के सैंपल को लैब कर्मचारियों द्वारा बदल दिया गया और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई।